Hello, a very good evening to all of you. So welcome to my channel Inspire Pharma. पेश हूँ आज आपके सामने एक अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो को लेके। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है क्या होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ आप अंग्रेजी दवा खा सकते हो, क्या होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ आप एलोपैथिक मेडिसिन ले सकते हो। मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ एलोपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए। सिमिलरली ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो बहुत से लोगों के दिमाग में आ सकता है कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ हम एलोपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरी इस वीडियो से मिल जाएगा। ठीक है, बिना किसी डिले के साथ हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले ये दो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। मान लो कि आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, आप पहले से एलोपैथिक मेडिसिन ले रही हो पर आपको ये लगा कि मेरे को इतना इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप मैं साथ साथ में क्यों ना होम्योपैथिक मेडिसिन को स्टार्ट कर देता हूं। तो ये क्या कंडीशन होगी कि आप एक ही डिजीज के लिए दोनों मेडिसिनल सिस्टम की मेडिसिन्स को ट्राई कर रही हो। सेकंड है, मान लो आपको पहले से एक डिजीज थी, मान लो आपको अस्थमा था, अब आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी, अस्थमा के लिए आप पहले एलोपैथिक यानी कि अंग्रेजी दवा खा रहे थे, अब आपने सोचा कि मेरे को बीपी की प्रॉब्लम होगी, अब मैं एलोपैथी नहीं खाता हूं, मैं होम्योपैथिक मेडिसिन ले लेता हूं। तो ये कंडीशन क्या होगी कि डिफरेंट डिजीजेस के लिए दोनों मेडिसिनल सिस्टम को यूज करना बट एक ही टाइम पे। ठीक है, सो दिस आर द टू कंडीशंस जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन को एलोपैथिक मेडिसिन के साथ खाने की टेंडेंसी हो सकती है। तो इन दोनों कंडीशन में आपको क्या क्या प्रिकॉशंस यूज करनी है, कितना गैप रखना है, क्या खानी भी है या नहीं, ये इस तरह के क्वेश्चन है जो जिसके आंसर इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं, हमें डिले नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप कोई भी मान लो आप एलोपैथिक मेडिसिन किसी भी डिजीज के लिए ले रहे हो, पहले मैं बात करता हूँ टू डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस की कि आप पहले बीपी की ले रहे थे, आप होम्योपैथिक आप एलोपैथिक ले रहे हो, अब आपको अस्थमा की प्रॉब्लम होगी तो आपने होम्योपैथिक मेडिसिन लेना शुरू कर दिया, तो उस कंडीशन में दोनों डिजीजेस के बीच में कितना गैप होना चाहिए, द गैप मस्ट बी ऑफ 1 आवर। मान लो कि आपने सुबह 7 बजे एलोपैथिक मेडिसिन ली है तो एटलीस्ट 8 बजे ही जो है आप होम्योपैथिक मेडिसिन का इंटेक करो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, ये भी तो समझाना पड़ेगा ना कि अगर आपने ये प्रिकॉशन फॉलो नहीं की है, अगर आपने दोनों मेडिसिन के बीच में 1 आवर का गैप नहीं रखा है तो क्या होगा, तो ये होगा कि साइड इफेक्ट नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे, बट ये चीज है कि होम्योपैथिक मेडिसिन का इफेक्ट कम हो जाएगा। तो जो लोगों के दिमाग में आता ना कि दोनों खाएंगे तो यार बहुत बॉडी बॉडी को कुछ भी हो सकता है, बॉडी का ये ऑर्गन डैमेज हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि जब आप पहले एलोपैथिक खा चुके तो बाद में अगर आप होम्योपैथिक ले रहे हो तो इफेक्ट कम होगा। अब मैं सेकंड कंडीशन की बात करता हूँ। सेकंड कंडीशन क्या थी, सेकंड कंडीशन ये थी कि टू डिफरेंट डिजीजेस हैं, है ना। सेकंड कंडीशन क्या है, टू डिफरेंट डिजीजेस हैं आपको, सॉरी सेम डिजीजेस हैं और आप होम्योपैथिक, आप पहले एलोपैथिक ले रहे हो अब होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हो, उस कंडीशन में थोड़ा सा ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। मान लो आप बीपी की प्रॉब्लम ले लेते हैं, बीपी के लिए एलोपैथिक ले लेते हो, ब्लड प्रेशर आपका ज्यादा रहता है, मान लो 150 160 170 रहता है, आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हो, अब आपने होम्योपैथिक मेडिसिन लेना शुरू कर दिया। ठीक है, तो क्या हो सकता है कि मान लो एलोपैथिक भी अपना ब्लड प्रेशर रिड्यूस कर रही है, साथ में आपने होम्योपैथिक मेडिसिन भी लेना शुरू कर दिया, चाहे आप 1 घंटे का गैप ही रख रहे हो, तो आपका बीपी ज्यादा डाउन होने के चांसेस हैं। तो उस कंडीशन में आपको रेगुलर चेकअप करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने आपको पहले एक बीमारी थी कि आपको हाई बीपी की थी, अचानक लो भी जा सकता है अगर आपने दोनों मेडिसिन को चाहे गैप के साथ ही लेना शुरू कर दिया, तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहना है, रेगुलर चेकअप्स वगैरह करवाते रहना है। सो आई होप आपको ये समझ में जरूर आ गया होगा कि होम्योपैथिक को मैं अगर एलोपैथी के साथ लेना चाहता हूं तो मेरे को क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो करनी है। आई होप मेरी ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी ही होगी। आप मेरी इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं डेफिनेटली इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आपके सामने आता रहूंगा। टिल द टाइम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा। थैंक यू।